हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हम जा रहे हैं अपने खेत में, पानी लगा है तो हम जा रहे हैं खेत देखे। तो फ्रेंड्स, दबा के वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल और शेयर करो दोस्तों में। फ्रेंड्स, तो ये हम अपने खेत में लेव बनाने के लिए पानी लगा रहे हैं। फ्रेंड्स, तो हम देखने आए हैं पानी अपने खेत में, तो अभी इतना हुआ है। इसमें लेव बनाना है तो इतना अभी हो पाया है। ये देखो, किसी किसी के धान लग चुके हैं गाइस, बेड़ खोद गई है इनकी। ये देखो, अभी ये वाला तो हो चुका है, बड़ा वाला नंबर। फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं ये वाला खेत अभी नहीं हुआ, ये थोड़ा। दोस्तों, तो मैं जा रहा हूँ भाई अपने घर, और थोड़ा अभी नहीं हुआ खेत, तो जब हो जाएगा तब इसके बाद देखते हैं क्या करना है। ये देखो, किसी किसी के धान हरे हो चुके हैं। ये दोस्तों, तो मैं जा रहा हूँ भाई अपने घर, और थोड़ा अभी नहीं हुआ खेत, तो जब हो जाएगा तब इसके बाद देखते हैं क्या करना है। ये देखो, किसी किसी के धान हरे हो चुके हैं। ये फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं ये वाला खेत अभी नहीं हुआ, ये थोड़ा। फ्रेंड्स, तो ये हम अपने खेत में लेव बनाने के लिए पानी लगा रहे हैं। फ्रेंड्स, तो हम देखने आए हैं पानी अपने खेत में, तो अभी इतना हुआ है। इसमें लेव बनाना है तो इतना अभी हो पाया है। ये देखो, किसी किसी के धान लग चुके हैं गाइस, बेड़ खोद गई है इनकी। ये देखो, अभी ये वाला तो हो चुका है। फ्रेंड्स, तो आज हम जाने वाले हैं आम के बाग में। एक है हमारे गांव में आम का बाग, तो हम वहीं घूमने जा रहे हैं, देखते हैं क्या आम फरे हैं या नहीं। वहां थोड़ा माइंड फ्रेश करने के लिए जा रहे हैं, घूमने अच्छा लगता है बाग आग में घूमने में, तो इसलिए जा रहे हैं थोड़ा बाग की तरफ। फ्रेंड्स, तो ये देखो, धान किसी किसी के लग चुके हैं। ये देखो, दिन ढलने वाला है, तो फ्रेंड्स इसलिए हमने सोचा।
गाइस तो हम चलते हैं, अब थोड़ा आ चुके हैं। ये है अब यूकेलिप्टिस के पेड़ों के पास से गुजर रहे हैं फ्रेंड्स। तो अब हम जा रहे हैं धीरे धीरे, काफ़ी अच्छा मौसम, बिल्कुल साफ है, धूप है, अच्छी है। और इसके बाद में आप देख सकते हो मौसम, आसमान बिल्कुल साफ नीला आसमान है। फ्रेंड्स तो हम आ चुके हैं इस घने जंगल में और बहुत काफ़ी भयानक लगता है यार फ्रेंड। तो आप देख सकते हो कितना यहाँ पर घना है, कितना ज़्यादा। तो फ्रेंड्स हम जा रहे हैं इसके अंदर। फ्रेंड्स तो हम आ चुके हैं इस जंगल के अंदर। ये देख सकते हो ये पेड़ कटे हुए पड़े हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हो यहाँ कहीं से भी रास्ता नहीं है। फ्रेंड बचपन में हम लोग यहाँ आते थे, यहाँ कहते हैं सांप वगैरह बिच्छू इच्छू बहुत रहते हैं, तो आगे जाने में तो डर लगता है। पर चलो आपके लिए ये भी रिस्क उठा रहे हैं हम। तो फ्रेंड्स चलते हैं, देखते हैं रास्ता, पहले देखते हैं। फ्रेंड्स तो हम जा रहे हैं अब इस जंगल के अंदर। बढ़िया देख सकते हो कितना है, तो हरा भरा गाइस, लेकिन काफ़ी देखने में डर लगता है। ये जामुन का पेड़ है, ये आए थे यहाँ, हमने सोचा जामुन होगी पर काफ़ी लेट हो चुका है, तो इसलिए जामुन आमुन तो एक भी नहीं लगी। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो ये यहाँ पर, इसको बोलते हैं कुसा, ये कुसा है, इसको हमारे गांव की भाषा में कुसौरा बोलते हैं, कुसौरा। तो फ्रेंड ये आम के पेड़ जो हैं, ये यहाँ हम लोग आते थे जब छोटे थे बचपन में, यहीं दोपहर में आ जाते थे फ्रेंड खाने के लिए, कच्ची कच्ची अमियाँ खाने के लिए। और देख सकते हो अब यहाँ आम भी नहीं लगे, सब ख़त्म हो गए आम। तो फ्रेंड्स हम जा रहे हैं अब इस रास्ते में, आगे आगे हमारा देखो सुमित आगे आगे कैसे जा रहा है, चला जा रहा है, देख सकते हो फ्रेंड्स। ये हमारा वो है कैमरामैन फ्रेंड्स, यही कभी कभी कैमरा से शूट करता है हमारी वीडियो को। तो फ्रेंड्स ये है सबसे पुराना जामुन का पेड़, ये आप देख सकते हैं इसको, इसी में हम जामुन खाने आते थे, यहाँ ऊपर तक चढ़ जाते थे गाइस, इसके बहुत ऊपर तक चढ़ के खाते थे। और ये है पास में बगल में, ये जो आप देख सकते हैं ये है कैथे का पेड़, कैथा जिसको बोलते हैं, कैथा बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो फ्रेंड्स काफ़ी बड़ा हो चुका है, आज के 10 साल पहले काफ़ी छोटा, बिल्कुल छोटा सा ही था, करीब 10 फीट का था। अब 10 साल बाद आप देख सकते हैं कितना बड़ा हो चुका है। तो फ्रेंड्स और इस बाग में भी कैथा का पेड़ था, ये वो कट चुका है, हालांकि कट चुका है अब नहीं है। तो देख सकते हो फ्रेंड्स,
फ्रेंड, तो हम अब जाने वाले हैं इस जंगल से, इस जो बाग है मतलब उससे हम बाहर जाने वाले हैं, घर के लिए अब जा रहे हैं। यहाँ काफ़ी बहुत ज़्यादा खलजार है, तो वो किस चीज़ का पेड़ है वो सामने। वो तो फ्रेंड्स, हम इस बाग से निकल चुके हैं। ये देखो डोली की तरह ये लकड़ी बनी हुई डाल बन गई है फ्रेंड्स, जैसे डोली। आप देख सकते हैं फ्रेंड कितना, और काफ़ी भारी जंगल है, बट अच्छा लगता है जब दो तीन चार लोग हों तो अच्छा लगता है घूमने में मुझे। और फ्रेंड वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने छोटे भाई को सपोर्ट करो प्लीज़, आपके प्यार और सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत है हमको। तो आपसे दोस्तों यही रिक्वेस्ट है, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने छोटे भाई को सपोर्ट करो। फ्रेंड्स, तो अब हम दोस्तों जा रहे हैं अपने घर। तो गाइस, कितना मज़ा आ रहा है शाम को, थोड़ा शाम हो चुकी है, सूरज भी ढल चुके हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स, मेरी इंस्टा पर भी आईडी है, तो इंस्टा पर विकास कुमार 7976 पर जाकर सर्च करो और मेरे वीडियो अच्छे अच्छे हैं उनको लाइक करो, फॉलो करो और मेरे चैनल को यूट्यूब पे चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करो और वीडियो लाइक करो। फ्रेंड्स, आपके लिए दोस्तों गांव घर की नई नई वीडियो, ब्लॉग वीडियो लाते रहते हैं।